वो आपका डेफर्ड टैक्स और ईसअप ऑफ स्टार्टअप्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रिलीवेंट है। रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आए हुए थे, अमेंडमेंट फिनांस एक्ट 2020 में आया था, उस अमेंडमेंट को लेकर आज मैं डील करूंगा। और देखा जाए तो ये बहुत ही फ्लैक्सिबल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये स्टार्टअप क्या है, इसके क्या क्या एटलीस्ट है, इससे कितने एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। और उसके बाद जो ये जो अमेंडमेंट आया हुआ है उसको लेकर मैं डील करूंगा। अमेंडमेंट रिलीवेंट इसलिए है क्योंकि ये फिनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया था। तो जो आपके मई और नवंबर के एग्जाम होने वाले, मई तो हो चुके हैं, जो नवंबर के एग्जाम होने वाले हैं उसमें चांसेस हैं कि इसको पूछेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात आती है कि स्टार्टअप क्या होती है। स्टार्टअप क्या होती है, स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया था जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसमें आईटी बेस्ड कंपनी होते हैं। और उस कंपनी का काम क्या होता है, इनोवेशन डेवलपमेंट, जो आपका इनोवेशन डेवलपमेंट इन प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग किया जाए उसको लेकर ये स्टार्टअप होते हैं और आईटी बेस्ड होते हैं। आप देखिएगा जोमेटो आईटी बेस्ड है, ये आपका एक फूड डिलीवरी चैनल है, स्विगी, ऐसे आपका बहुत सारे स्टार्टअप है, बायजू जो एजुकेशन बेस है, अन अकेडमी, यूडेमी, दे आर सो मेनी स्टार्टअप्स। स्टार्टअप की बार आ गई है ये आपका, एक बार मैं इसको रीड करता हूँ। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंटेड टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इसको कौन देखता है, इसको कौन देखता है, इसका पर्पस क्या था, ताकि इंडिया बिकम्स द कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। दिस प्रोग्राम आर मैनेज्ड बाय डेडिकेट स्टार्टअप इंडिया टीम। ये प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया टीम इसको मैनेज करती है, डेडिकेट स्टार्टअप इंडिया टीम व्हिच रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ व्हिच रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। DBIIT को ये रिपोर्ट करती है, DBIIT को रिपोर्ट करती है। मैं यदि आपको एक ओवरव्यू बोलूं, अभी कितने स्टार्टअप है, थर्ड जून 2021 को DBIIT ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक प्रेस रिलीज जारी किया था। एज पर द प्रेस रिलीज फ्रॉम 16th जनवरी 2016 टू 3rd जून 2021 टिल 50,000 स्टार्टअप्स, 50,000, 50,000 स्टार्टअप अभी तक रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं बाई DBIIT। और ये किसी मेट्रो सिटी में नहीं फैला हुआ है, ये सभी जगह फैला हुआ है, इन 623 डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के 623 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके ये स्टार्टअप जो यंग जनरेशन है, जो यंग एंटरप्रेन्योर है, वो इसको ले रहे हैं, वो इसको कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये आपका टोटल जॉब आपका 16 से लेकर 2020 तक, 3rd जून 2020 तक, 16 जनवरी 16 से लेकर 3rd जून 2020 तक, अभी तक 5,94,842 जॉब्स दे चुके हैं। ये आपका गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा। और इस कोविड पीरियड में, इन द ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इस कोविड पीरियड में अकेला एक साल में 1.7 लाख जॉब दिए हैं, 1.7 लाख जॉब दिए। अब ये सोचो कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए कितना आवश्यक है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए कितना आवश्यक, और ये ईज ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग कर रहा है, ये आपकी लाइफ को कंफर्ट करने में कितने आवश्यक काम करते हैं। आप सोचिए स्विगी क्या करता है, जोमेटो क्या करता है, कितने कंफर्टेबल पोजीशन पर हम लोग आ चुके हैं। अभी एक जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है ये बात है कि 45% स्टार्टअप हैव वोमेन इंटरप्रेनर। 45% स्टार्टअप के जो इंटरप्रेनर है वो आपका वोमेन इंटरप्रेनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप एज पर एक्सप्रेशन, अब हम लोग आते हैं कि सेक्शन के लैंग्वेज में, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में। इनकम टैक्स में स्टार्टअप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 80IAC में। देखिए 80IAC क्या बोलता है, 80IAC आपको कह रहा है कि एक्सप्रेशन टू सेक्शन 80IAC। 80IAC के एक्सप्रेशन में स्टार्टअप के बारे में बताया गया कि स्टार्टअप क्या होता है। एलिजिबल स्टार्टअप मीन्स अ कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
गौर से देखिएगा, स्टार्टअप कौन हो सकते हैं, आइदर कंपनी होंगे या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंगेज्ड एलिजिबल बिजनेस व्हिच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। एलिजिबल बिजनेस क्या, थोड़ा देर बाद मैं आपको बोलता हूँ। तो स्टार्टअप में कौन कौन हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकते हैं जो एलिजिबल बिजनेस में, जो एलिजिबल बिजनेस में है। अच्छा ये क्या लिखा गया, इट इज इनकॉर्पोरेट ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2016। मैंने आपको पहले ही कहा था जो स्टार्टअप फ्लैगशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। बट बिफोर द 1 अप्रैल 2022, पहले यहाँ पर 2021 था, फिनेंस एक्ट 21 में आके इसको 2022 कर दिया गया। तो देखिए स्टार्टअप कौन से होंगे जो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं और बिफोर 1 अप्रैल 2022 को इनकॉर्पोरेट हुए। द टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, पहले यहाँ पर 25 करोड़ था, फिनेंस एक्ट 20 तक ये 25 करोड़ था, फिनेंस एक्ट 2021 में इसको इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया एंड दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 25 करोड़ टू 100 करोड़ रुपीज इन द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर व्हिच, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन क्लेम कर दो। इट होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियली बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पास एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है। अभी देखिए, अभी ये लिमिट क्यों बढ़ाया गया, 25 करोड़ से 100 करोड़ क्यों कर दिया गया। अब जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे इंडिया में, जैसे आप बायजू, अन अकेडमी, जोमैटो, आप बायजू को देख लीजिए, मिलियंस ऑफ करोड़ का बिजनेस हो चुका है ये, और अभी ये अमेरिका में या किसी अदर फॉरेन कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर रहा है। आप जोमैटो को देख लीजिए, लिस्टिंग हुआ था, जोमैटो इज बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी, लिस्टिंग हुआ था आज से 2 दिन पहले लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग होते ही 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। तो ये आपके स्टार्टअप्स हैं। अभी देखिए मैंने क्या कहा था, एलिजिबल स्टार्टअप्स के अंदर में कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आते हैं जो एलिजिबल बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस, देखिए एलिजिबल बिजनेस क्या बोला गया, एलिजिबल बिजनेस मीन्स अ बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप इंगेज्ड इन इनोवेशन डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। क्लियर है? तो एलिजिबल बिजनेस का जो एक क्या दिया गया है, जो कौन सा बिजनेस में करेगा, इनोवेशन में रहेगा, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट में रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज, किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस में और सर्विसेज में, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन दो मेजर क्राइटेरिया है। तो ये आपका आ गया 80 ISE। मैं 80 ISE को एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 80 ISE में क्या बोला, सेक्शन 80 ISE डिफाइन करते हैं एलिजिबल स्टार्टअप को। इसके अंदर में कौन आते हैं, कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आते हैं। ये कब, ये बिजनेस कब शुरू होना चाहिए, ये बिजनेस शुरू होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 के बाद और बिफोर 1 अप्रैल 2022 से पहले। टर्नओवर कितना का होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके पास, इसके पास इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और ऑफिशियल गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसका नोटिफाइड होना चाहिए। बिजनेस कौन सा आएगा, बिजनेस आएगा जो बिजनेस इन्वॉल्व है, जो बिजनेस इंगेज है, किसमें, इनोवेशन में, डेवलपमेंट में, इंप्रूवमेंट में, प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विसेज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब स्टार्टअप के पास जो मेन प्रॉब्लम होती है वो उसके फंड को लेकर होती है, मैं उसके उस मैटर पर बाद में जाना, पहले मैं आपको ई सब क्या होता है एक बार मैं आपको ये बोल दूँ। ई सब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान इज एन एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान, इट इज इशूड बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉई टू इनकरेज एम्प्लॉई ऑनरशिप इन द कंपनी। कंपनी क्या करती है, ई सब इशू करती है
किसको इशू करती है, जो उसके एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को आफ्टर कुछ क्राइटेरिया है, जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन नंबर ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको ईसॉप दिया जाता है। तो ईसॉप का एक पीरियड रहता है, विदिन दैट पीरियड यू नीड टू एक्सरसाइज द ईसॉप। तो एम्प्लॉई ऑप्शन प्लान इज एन एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान, इट इज इशूड बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉयज। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एम्प्लॉई को लगे कि ये उसका अपना कंपनी है और वो अधिक टाइम से अधिक मेहनत से उस कंपनी के ग्रोथ में अपना भागीदारी रहे, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगा तो जो एम्प्लॉय का शेयर है वो भी ग्रो कर जाएगा। आगे देखते हैं, द शेयर ऑफ कंपनीज आर गिवन टू एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड रेट। सही बात है, जो ईसॉप इशू करती है वो डिस्काउंट में इशू करती है। सपोज कीजिए मार्केट में किसी का शेयर 200 रुपीज का है, तो ईसॉप में एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में ईसॉप में वो आपका 125 का दे सकता है। तो ईसॉप बेनिफिट्स द कंपनी एज वेल एज इट्स एम्प्लॉयज, इट बेनिफिट्स द स्टार्टअप्स वेर एम्प्लॉयज कैन बी रिवार्डेड आफ्टर द कंपनीज गोज पब्लिक। कभी भी स्टार्टअप के एम्प्लॉय को ईसॉप दिया जाता है, तो ये बेनिफिट कब होता है? जब वो कंपनी पब्लिक हो जाए, जब वो लिस्टेड हो जाए। देखिए आगे, देखिए ईसॉप में ये पूरा स्कीम दिया हुआ है कि ईसॉप एम्प्लॉय को इशू किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, जब ईसॉप इशू होता है तब उसकी टैक्स एप्लीकेशन कैसे होती है, उसको हम लोग डील करते हैं। देखिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन टैक्स एज परक्यूजिट, परक्यूजिट के रूप में टैक्स माना जाता है। सपोज कीजिए आपका 100 रुपया का शेयर है, या फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है, कंपनी ने आपको 40 रुपीज में दिया या कंपनी ने आपको 60 रुपीज में दिया, तो जो जो डिफरेंट 40 रुपीज हो गया वो आपका परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा। ईसॉप्स आर टैक्स्ड एज परक्यूजिट अंडर सेक्शन 14 अंडर द हेड सैलरी एंड टैक्स इज कैलकुलेट एज फॉलोज, परक्यूजिट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू इन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन माइनस में अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। आप लोग को पता है, जब कभी भी हमें सैलरी मिलता है और सैलरी का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है, जब सैलरी टैक्सेबल हो जाते हैं तो क्या होता है, कंपनी टीडीएस काटती है। तो सेम कहानी इस पर भी है, टैक्स ऑन परक्यूजिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, हेंस टीडीएस अंडर द हेड सैलरी अंडर सेक्शन 192 इज रिक्वायर्ड टू बी रिजेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। टीडीएस काटना बहुत ही आवश्यक हो जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, जबकि ये भी ईसॉप इशू किया जाता है। यही प्रॉब्लम है, यही इसी पॉइंट को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया फॉर स्टार्टअप के लिए। अभी थोड़ा देर बाद में आपको डील करता हूँ। जब आप सेल करते हो तब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल बाय द कंपनी, तो सेल बाय द एम्प्लॉय सॉरी, तो जब कभी भी एम्प्लॉय सेल करता है तो क्या होगा, तब वो चार्जेबल होगा एज अ कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लिस्टेड या अनलिस्टेड पर डिपेंड करता है, बट वो कैपिटल गेन में हिसाब से चार्ज होता है। तो द एम्प्लॉय में चूज टू सेल द शेयर्स वंस दीज आर बॉट बाय द एम्प्लॉयज, सेल दिस शेयर्स अनदर टैक्स इवेंट हैपेंस, क्या होगा FMV, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, फेयर मार्केट वैल्यू से जितना रुपये आपने 100 रुपये का था 40 रुपये आपने रिकवर किया, तो टैक्स आपने परक्यूजिट आपने 60 रुपीज पर काट लिया। तो अब बाई रूल क्या लगता है, बाई जनरल बाई कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि अब जो ये जब कैपिटल गेन में जब लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो कितना का होगा, 100 का होगा या 60 का होगा, ऑफकोर्स ये 100 का होगा, क्योंकि पहले आपने परक्यूजिट के रूप में टैक्स ऑलरेडी ले चुके हो। तो इसलिए क्या होगा, देख लेना, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ FMB ऑन द एक्सरसाइज डेट इज टैक्स एज कैपिटल गेन। जो आपका सेल प्राइस है, जितना में आपने बेचा है, और जो FMB था, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। आइए अभी था, जब मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा था जो ईसॉप होती है वो ईसॉप टैक्सेबल कैसी होती है, ईसॉप आपका टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज अ परक्यूजिट, परक्यूजिट के रूप में वो टैक्सेबल होता है। कैसे टैक्सेबल होता है, जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है जब ईसॉप दिया गया था, जो शेयर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस में क्या होगा, माइनस में आपका आएगा, लेस किससे करेंगे, लेस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो भी डिफरेंस होगा वो आपका परक्यूजिट के रूप में टैक्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अभी जितने भी अभी मैक्सिमम जब कोई स्टार्टअप लॉन्च होता है तो वो लॉस में रहता है। इवन अभी तक जोमेटो अभी तक 2008 में स्टार्ट हुआ था, बट अभी तक वो लॉस में है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्टार्टअप अभी भी लॉस में रहते हैं, उनके पास एक फिनेंशियल क्राइसिस रहता है, बट उन्हें बेस्ट टैलेंट चाहिए, मार्केट से उन्हें बेस्ट टैलेंट चाहिए।
इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में स्टार्टअप ने क्या किया, बेस्ट टैलेंट को तो एम्प्लॉय कर लिया। अब एम्प्लॉय करने के बाद सैलरी देने का पैसा नहीं है, तो वो करते क्या है, सैलरी के बदले में आपको ईसॉप इशू कर देते हैं, आपको ईसॉप का शेयर दे देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू आपको शेयर दे देते हैं कि अब आप इस कंपनी का ऑनर हो गए, आपका ऑनरशिप इसमें आ गया, ताकि वो कंपनी को इससे अच्छे से काम करें। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम क्या होती थी, आपने तो ईसॉप इशू कर दिया। अब ईसॉप इशू करने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी है वो TDS पे करना पड़ता था, आप तो सैलरी दे नहीं रहे हो, सैलरी के बदले में आप इन काइंड में आप उसको ईसॉप दे दे रहे हो। अब आप TDS किससे काटोगे, TDS आप कैसे काटोगे, TDS आप रिकवर कैसे करोगे, एम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ता था प्रोजेक्ट पर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एक बड़ी समस्या थी। और एम्प्लॉय के लिए भी सैलरी कुछ मिला नहीं, सिर्फ आपका स्टॉक मिला है, सिर्फ आपको सिर्फ एम्प्लॉय को स्टॉक मिला है ईसॉप के थ्रू। अब बट उसको टैक्स पे करना है इनकम के रूप में, अब वो टैक्स कैसे पे करेगा, पैसा तो उसके पास है नहीं। तो आप ये बेस्ट टैलेंट को हायर करने के लिए, अब ये एक प्रॉब्लम हो रहा था एम्प्लॉयर के केस में भी और एम्प्लॉय के केस में भी, जो आप ईसॉप इशू करके दे देते हो लेकिन TDS कैसे काटोगे, TDS काटने का एक बड़ा समस्या हो रहा था। गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया, गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया और एड्रेस करके देखिए क्या लिखा है, मैंने इस अमेंडमेंट को अपने लैंग्वेज में लिखा है, इफ एम्प्लॉयर इज अ स्टार्टअप क्वालिफाइड फॉर 80ISC, अभी मैंने बताया था 80ISC के अंदर में क्या होता है, एंड इट अलॉट्स एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर ईसॉप टू इट्स एम्प्लॉयज TDS ऑन द परक्यूजिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20 मे बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 विद इन 14 डेज। देखिए After the expiry of 48 months from the end of relevant assessment year, क्या बोला गया, देखिए from the end of relevant assessment year, मतलब जिस साल इशू किया गया है उस साल का, मान लीजिए आपको ईसॉप इशू किया 2021 में, तो प्रीवियस ईयर यदि 2021 है तो असेसमेंट ईयर होगा 21-22, तो 21-22 के बाद 4 साल, मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 साल का टाइम दिया जा रहा है, कंपनी को 5 साल का टाइम दिया जा रहा है TDS पे करने का। और ये जो टैक्स, अब देखिए आगे पढ़ते मैं फिर आपको आगे बोलता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला गया, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अब क्या हुआ, इम्प्लॉय को तो शेयर मिल गया ईसॉप के थ्रू, अब इम्प्लॉय ने क्या किया, उस शेयर को सेल कर देगा, जैसे ही आप शेयर को सेल कर दोगे तो जो आपको बेनिफिट दिया गया था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ असेसिंग सीजिंग टू बी इम्प्लॉय ऑफ स्टार्टअप, या आपने जॉब छोड़ दी, स्टार्टअप का जॉब आपने छोड़ दिया, व्हिच इवर इज अर्लियर, समझ में आया, व्हिच इवर इज अर्लियर, टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट्स इनफोर्स फॉर द प्रीवियस ईयर इन व्हिच शेयर सिक्योरिटी और शेयर इज अलॉटेड और ट्रांसफर टू एम्प्लॉय। अब जो एक बार मैं इसको फिर से अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके बोलता हूँ, तो नॉर्मल वाले केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में होता है जो भी आपका ईसॉप के थ्रू मिलता है वो टैक्सेबल एज अ परक्विजिट होता है। अब जो स्टार्टअप होते हैं उसके उसके लिए क्या होता है, ये हमेशा लॉस में ही रन करते हैं, पेटीएम बोलिए, मोबीक्विक बोलिए, या आपका जोमेटो बोलिए, ऑलमोस्ट इन सभी के पास कैश का क्राइसिस रहता है। जोमेटो में जब आप फूड को ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, आप यदि जाओगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए और यदि ऑर्डर करोगे उसमें आपको ऑफ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये अपनी बिजनेस को रन करने के लिए या ग्रो करने के लिए ये बहुत सारे ऑफ स्कीम निकालते रहते हैं। मैं जोमेटो के मॉडल पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली से बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नॉर्मली लॉस में होते हैं, तो उनके पास एक कैश की क्राइसिस होती है, तो उस केस में वो करते क्या है, वो एम्प्लॉय हायर करते हैं, वो आपका एम्प्लॉय को हायर करते हैं, बट एम्प्लॉय को हायर तो कर लेते हैं बट उनको बेस्ट टैलेंट चाहिए, मार्केट से उन्हें बेस्ट टैलेंट चाहिए ताकि जो इस बिजनेस को लीड कर सके और एक नया कुछ आइडिया इनोवेट कर सके। तो जब उसको बेस्ट टैलेंट चाहिए तो बेस्ट टैलेंट को तो बेस्ट सैलरी भी चाहिए, अब क्या होता है सैलरी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, तो क्या करते हैं उसको ईसॉप इशू कर देते हैं। अब जब आपने ईसॉप इशू कर दिया तो ईसॉप इशू करते ही आपके जो इम्प्लॉय है उसके लिए वो इनकम हो गए एज अ परक्विजिट सैलरी के हैंड में, और इम्प्लॉयर के लिए चूंकि वो परक्विजिट हुआ तो आपको इम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ेगा, इम्प्लॉयर को TDS अंडर सेक्शन 192 में काटना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या किया गया, अब इस अमेंडमेंट में क्या किया, फाइनेंस एक्ट 20 ने क्या किया, जो एम्प्लॉयर है उसको 5 ईयर्स का टाइम दिया गया, मतलब 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट
असेसमेंट ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का टाइम दिया गया कि 5 साल जैसे ही खत्म होता है तब आप TDS पे कीजिए ऑन परक्विजिट, या फिर जब वो इम्प्लॉई उस शेयर को सेल कर देता है, जैसे ही इम्प्लॉई शेयर को सेल कर देगा तो वैसे ही जो परक्विजिट था वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ इम्प्लॉई सेल करते ही, और उसके ऊपर जो TDS है वो इम्प्लॉयर को काटना पड़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ असेसिंग सीजिंग टू बी इम्प्लॉय ऑफ स्टार्टअप, और जैसे ही वो जॉब छोड़ के जाएगा, वो जैसे ही जॉब छोड़ के जैसे ही वो जॉब छोड़ के जाएगा तो ये जो परक्विजिट था ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये जो परक्विजिट था जो ईसॉप का जो वैल्यू का जो परक्विजिट था वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा और उसके ऊपर इम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। यदि वो जॉब नहीं छोड़ा और नहीं बेचा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब होगा विदिन 14 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट आपको यदि 2021 में यदि इशू किया गया, प्रीवियस ईयर यदि 2021 से इशू किया गया, असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26 मार्च के बाद 14 अप्रैल 26 को 26 के अंदर में उसको पे करना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, ये 5 साल के बाद ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 5 साल के बाद ये आपका जो जो भी ये जो आपका परक्विजिट है वो एज अ इनकम माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय और उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा TDS के रूप में बाय द एम्प्लॉयर। पॉइंट पूरा क्लियर है, मैं इसमें मेमोरेंडम को भी रीड करूंगा ताकि आपको और बेटर से समझ में आ जाए। इन शॉर्ट, टैक्स बर्डन ऑन सच एम्प्लॉई गेट्स गेटिंग ईसॉप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय डेफरिंग द पेमेंट बाय 5 ईयर्स और टिल दे लीव द कंपनी और व्हेन दे सेल द शेयर्स व्हिच इवर इज द अर्लीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं ये जब कोई भी एक्ट आता है तो कोई भी एक्ट आने से पहले एक मेमोरेंडम आता है जो आपको ब्रीफ में बताएगा जो ये लॉ चेंज क्यों किया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, ईसॉप हैव बीन अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंपेंसेशन फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ स्टार्टअप्स एज इट अलाउज द फाउंडर एंड स्टार्टअप्स टू एम्प्लॉय हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज एट अ रिलेटिव लोअर प्राइस highly talented employee at a relative lower low salary amount with balance being made by a ESOP. ESOP के थ्रू सैलरी दे दिया जाता है। करेंटली ESOPs, अभी आपको ये एक्ट बोल रहा है कि अभी का प्रोविजन क्या है, अभी एक्ट उसको लेकर डील कर, एक्ट क्या बोल रहा है, करेंटली ESOPs आर टैक्स मेमोरेंडम में इसको बताया गया है जो अभी क्या है, करेंटली ESOPs आर टैक्स एज परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) ऑफ द एक्ट रीड विथ रूल द टैक्सेशन ऑफ ईसॉप इज स्प्लिट इन टू कॉम्पोनेंट्स टैक्स ऑन परक्विजिट एज इनकम फ्रॉम सैलरी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ सेल द टैक्स ऑन परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड द टैक्स ऑन परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन व्हिच मे लेड टू कैश फ्लो प्रॉब्लम एज दिस बेनिफिट ऑफ ईसॉप इज इन काइंड। क्लियर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, जब कभी भी लॉ में चेंज आता है, जैसे ही कभी फिनेंस बिल आएगा सबसे पहले आप लोग मेमोरेंडम को रीड करना। अब मेमोरेंडम को रीड करते ही आपको समझ में आ जाए कि चेंज क्या है, कहाँ पर चेंजेज है, फिर आप उस एक्ट में जाके चेंज को आप देख लेना कि चेंज कहाँ हुआ है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये इस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं जो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन को समझ में आ जाए, जब ये ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट में बोलती है तो ये उस लैंग्वेज में बोलती है जो पार्लियामेंट में जितने भी बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन वो सबको समझ में आ जाए। सो ये लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए आगे नेक्स्ट क्या था, इन ऑर्डर टू ईज द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय द एम्प्लॉइज ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स और TDS बाय द स्टार्टअप एम्प्लॉयर इट इज प्रपोज्ड, ये कौन बोल रहा है, सीतारमन मैडम बोल रही है, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 192। अब सेक्शन 192 क्या है, TDS ऑन सैलरी, जो सैलरी के ऊपर TDS करता है उसको लेकर किया गया, उसमें क्या किया गया, इंसर्ट सेक्शन 1C देयर इन टू क्लैरिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 1 और 1A देयर ऑफ एज द केस मे बी अ पर्सन बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर टू एन 80 ISC जो आपका दिया गया है। देखिए क्या क्या बोलते हैं,
इन एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट 21-22 और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर डिडक्ट और पे एज द केस में बी टैक्स ऑन सच इनकम विद इन 14 डेज। अच्छा बताइए ये एप्लीकेबल कब से है? ये एप्लीकेबल आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 से, मतलब ये नया लॉ है, फिनेंस एक्ट 20 के थ्रू इसको लाया गया था, ठीक है। देखिए कब पे करना पड़ेगा, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर में। ये 14 डेज कब से होगा? 14 डेज होगा फ्रॉम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल का प्रीवियस ईयर है उसका एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 48 मंथ्स, मतलब नॉर्मली 5 ईयर्स समझ लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी शेयर बाय द एसएससी, डेट ऑफ सेल और फ्रॉम द डेट ऑफ विच द एसएससी सीजेस टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, समझ में आया। व्हिच ईयर इज द अर्लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द सेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर इज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड। सिमिलर अमेंडमेंट, अभी देखिए कहा ये क्या दिया हुआ है, सिमिलर अमेंडमेंट हैज बीन कैरिड आउट इन सेक्शन 191 फॉर एसएससी टू पे द टैक्स डायरेक्ट इन केस ऑफ नो टीडीएस and in section 156 for notice of demand and in section 140A for calculating self assessment tax, ठीक है। तो ये इसको चेंज कर, इस एक्ट को लाने के लिए तीन जगह चेंज किया गया, एक आपका 191 में किया गया, दूसरा सेक्शन 156 में किया गया और तीसरा आपका 140A में किया गया, 140A में किया गया। 191 किसको लेकर डील करता है, एसएससी टू पे द टैक्स डायरेक्ट इन केस ऑफ नो टीडीएस, यदि मान लो टीडीएस नहीं कटा है, इन द सेंस यदि आप जॉब छोड़ के जाते हो और कंपनी टीडीएस काट नहीं पाती है, किसी कारण से कंपनी बंद हो जाती है या कुछ भी होता है, उस केस में आपको डायरेक्टली एसएससी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और 195 से 156 पर नोटिस ऑफ डिमांड, इस कारण से डिमांड नोटिस नहीं भेजा जाएगा इसलिए उसका अमेंड किया गया। और 140A कैलकुलेटिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हो तो उसमें इस प्रोक्विजिट को काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए इस तीन जगह इसको अमेंड किया गया। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, आपका थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मैं साथ साथ चैप्टर के साथ साथ मैं अमेंडमेंट को भी कैरी करते जा रहा हूँ ताकि नवंबर से 21 के एग्जाम से पहले आपके सारे अमेंडमेंट कवर हो जाए। और काइंडली आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में लिख के बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में ताकि बेनिफिट सबको मिल सके। थैंक यू।